नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं वेरोनिका। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर राउंड खेला जा रहा है, जिसमें कल चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से हुआ, जिसमें चेन्नई गुजरात को 15 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है, मगर इस वीडियो में हम आपको इनके स्कोर बोर्ड के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि मोबाइल तक आईपीएल के मैचों को फ्री में दिखाने वाले जियो टीवी ऐप के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आईपीएल के लाइव प्रसारण के दौरान जियो सिनेमा नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, क्योंकि उसने गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टाटा आईपीएल मैच के क्वालिफायर मैच के दौरान 2,50,00,000 कॉन्करंट व्यूअर्स की संख्या दर्ज की है। जियो सिनेमा ने न केवल इस सीजन में तीसरी बार अपना है रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल्स के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की। 17 अप्रैल को 2,40,00,000 व्यूअर्स ने चेन्नई के चेपक स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एमएस धोनी के सीएसके को अपने स्कोर का बचाव करते देखा था। ये रिकॉर्ड तब बना था जब इसने 12 अप्रैल को खेले गए मुकाबले के दौरान 2,20,00,000 की पीक कॉन्करेंसी को पीछे छोड़ दिया था। उस मैच में धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रोमांचक फिनिशिंग करने के साथ अपने अच्छे पुराने दिनों की झलक दिखाई थी। ये रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि क्रिकेट प्रेमी टाटा आईपीएल 2023 को जियो सिनेमा पर देखना पसंद कर रहे हैं। रोमांचकारी मैच एक्शन के अलावा बार बार रिकॉर्ड बनाने के पीछे जियो सिनेमा के अपने फैंस के लिए दिए गए ऑफर्स भी हैं, जिसमें सभी नेटवर्कों के सब्सक्राइबर्स के लिए मुफ्त स्ट्रीमिंग, 4K स्ट्रीमिंग, 12 भाषाओं में कमेंट्री और हर मैच के लिए कार सहित रोमांचक पुरस्कार शामिल हैं। अब देखना यह है कि आईपीएल के फाइनल मैच में, जो कि 28 मई को खेला जाएगा, उसमें जियो टीवी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाने में सफल हो पाता है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको और किस विषय में वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर ये भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।